माजी, क्या हुआ बहू? सुबह सुबह क्यों फटे बांस की तरह गला फाड़ रही हो? अरे माँ जी, आप कल डॉक्टर के यहाँ गई थी तो डॉक्टर ने क्या बताया? अरे बहू, डॉक्टर ने बताया कि मुझे शुगर की बीमारी है, अब मुझे मीठा कम खाना पड़ेगा। तो माँ जी ये बताइए कि मैंने एक बाल्टी रखा था गुलाब जामुन, वो आधा कैसे हो गया? अरे बहू, वो आधा बाल्टी गुलाब जामुन तो मैंने खाए हैं। लेकिन माँ जी, आपको तो डॉक्टर ने मीठा खाने से मना किया है, फिर आप मीठा क्यों खा रही हो? अरे बहू, डॉक्टरों का तो क्या है, उनका बस चले तो खाना भी बंद करवा दे। अरे माँ जी, इस तरह अपने स्वास्थ्य के लिए लापरवाही करेंगे तो बहुत जल्द आपकी तस्वीर दीवार पे सट जाएगा और उस पे हार चढ़ जाएगा। अरे बहू, रोज घुट घुट कर जीने से अच्छा एक दिन जीभ भर के मर लूं। तो चलिए माँ जी, आपको आँख बंद कर मैं आपको कुएं में धक्का देती हूँ ताकि आपको मरने में आसानी हो। देख बहू, तू मुझसे ज्यादा तमीज से बात कर वरना मैं तुझे जवान खींच लूंगी मैं। अरे माँ जी, सही तो कह रही हूँ, रही बात जवान खींचने की तो ऐसा कभी सपने में भी नहीं सोचना वरना मैं आपके गला दबा दूंगी। अरे बदतमीज लड़की, चुप हो जा वरना मैं तुझे मुंह नोच लूंगी। देखो माँ जी, मैं भी आपको चोटी पकड़ के ऐसा फेंकूंगी आप सीधा यमराज के पास गिर जाओगी। देख लड़की, अब तो बदतमीजी की हद हो गई है, आज हम दोनों माँ बेटे मिलकर इतना मारेंगे कि तुम्हारा टकली बना देंगे। अरे माँ जी, आपके बेटे को मैं बेलन दिखाऊंगी वैसा ही उसकी हवा निकल जाएगी और आप भी क्या है, आप थोड़ी बूढ़ी, आपको तो मैं एक मुक्का मारूंगी तो आपको यमराज के पास पहुंचा ही दूंगी। अरे ये क्या है सपना, माँ से बात करने का ये कौन सा तरीका है? देखो जी, आप यहाँ कलेक्टर मत बनो, चुपचाप जाके आप बर्तन मेजो वरना मुझसे बुरा आपको नहीं होगा। अरे भाग्यवान, गुस्सा क्यों हो रही हो, मैं बर्तन माज दूंगा, पर ये बताओ तुम माँ से क्यों लड़ रही हो? नमस्ते भाभी जी, नमस्ते। नमस्ते नमस्ते, गया तेल लेने, पहले ये बताओ कौन हो तुम? अरे भाभी जी, कैसी बात कर रही हो तुम, आपने मुझे नहीं पहचाना क्या? जी बिल्कुल नहीं पहचाना, तुम ही बता दो कौन हो तुम? अरे भाभी जी, मैं आपके सासू माँ के मौसी के लड़के लड़की के लड़का हूँ। अच्छा अच्छा जी, आप बाहर क्यों खड़े हैं, अंदर आइए भाई साहब। अरे जानकी बहू, कौन है वहाँ और तुम किससे बात कर रही हो? देखो तो माँ जी, आपके दूर के रिश्तेदार आए हैं। ठीक है बहू, तुम अच्छे से उसका खातिरदारी करना, मैं तब तक नहा कर आती हूँ। और बताओ भाई साहब, आपको आने में यहाँ तक तकलीफ तो नहीं ना हुई? नहीं भाभी जी, आने में तो कोई दिक्कत नहीं हुई, लेकिन रास्ते में आते वक्त आपके मोहल्ले में कुछ गली के कुत्ते मेरे पीछे पड़ गए, एक घंटे का रास्ता 5 मिनट में खत्म हो गया। शुक्र है भगवान का, आप बिना परेशानी के आप घर आ गए। अब ये बताओ आप क्या पियोगे, चाय या दूध? अरे भाभी जी, सुना है चाय शरीर के लिए हानिकारक होती है, लेकिन आप मेरे लिए सिर्फ दूध ही बना के लाओ। ठीक है भाई साहब, आप अभी बैठिए, मैं 2 मिनट में गई, 5 मिनट में आई अभी दूध लेकर। अरे वाह भाभी जी, आपके हाथ में तो जादू है जादू, ऐसा दूध तो जिंदगी में कभी नहीं मैंने पिया। अब ज्यादा मस्का मत लगाओ भाई साहब, अब बोल दो खाना क्या खाओगे आप? देखो भाभी जी, मैं ठहरा सीधा आदमी, देसी रोटी खाकर अपना जीवन गुजारता हूँ, पर आप इतना रिक्वेस्ट कर रही हो तो एक काम कीजिए, आप गुलाब जामुन ही बनाकर लाइए, मैं उसे खा लूंगा। ठीक है भाई साहब, मैं पंखा ऑन कर दिया हूँ, आप आराम से बैठिए, तब तक मैं आपके लिए गुलाब जामुन बनाकर लाती हूँ। अरे बहू, मेहमान को चाय नाश्ता दिया कि नहीं? देखो माँ जी, मैंने उनको दूध पिला दिया है और अब उनके लिए मैं अब खाने बनाने जा रही हूँ, तब तक आप उनके साथ बैठकर बातें कीजिए। अरे भाभी जी, ये बूढ़ी औरत कौन है? आप
आपको नहीं पता भाई साहब, यही तो मेरी सासू माँ है। अच्छा अच्छा, अब आया मेरे दिमाग में समझ में। नमस्ते दीदी। नमस्ते भाई साहब, यहाँ अचानक आने का वजह आपको कोई काम है क्या? आपके बेटे से मेरी मुलाकात हुई थी, उन्होंने मुझे बताया था कि उनके सिर पे बहुत कर्जा हो गया है और बैंक वाले आपको ढूंढ रहे हैं। मैं आप ही को देखने आया था, कहीं आपको बैंक वाला ना उठा कर ले जाए। अरे मैंने सब पैसा दे दिए हूँ बैंक वाले को। आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों को भी आप लोग शेयर करिएगा, और मेरा प्रोफाइल में है, आप लोग एक एक वीडियो रोज देखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।